राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तेलंगाना में फिर टीआरएस की सरकार बनी। मिजोरम में एमएनएफ की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 15 साल बाद सत्ता से दूर हो गई। मध्य प्रदेश में अभी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। वही राजस्थान में भी अभी कांग्रेस 99 सीटों पर अटक गई। वही बसपा प्रमुख मायावती ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए जोर तोड़ में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि वो उनका ये मकसद पूरा नहीं करने देंगी। वही विधानसभा चुनाव के नतीजे जीतने वाले के लिए जितने चौंकाने वाले रहे, उससे ज्यादा हारने वाले को हैरान कर गए। हम आपको बताएंगे बीजेपी की हार की 5 बड़ी वजह। नंबर 1, बीजेपी ने पिछले चुनाव के दौरान किसानों के लिए जो घोषणाएं की थी उसे समय पर पूरा नहीं किया। चुनावी साल में धान बोनस जैसे वादों को पूरा करने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फायदा तक नहीं मिल पाया। नंबर 2, प्रदेश के युवाओं के लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा। सरकारी नौकरियां निकल नहीं रही और जो नौकरी निकल रही है उसमें आउटसोर्सिंग से बाहर लोगों को अवसर मिल रहा है। बेरोजगारी से युवा निराश थे, इस कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। नंबर 3, आदिवासी इलाकों में पैसा कानून और ग्राम सभा की वरीयता का कानून लागू नहीं किया गया। आदिवासी जमीनों की लूट, नक्सलवाद के नाम पर दमन, विस्थापन आदि आदिवासियों की नाराजगी के कारण रहे। नंबर 4, कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों ने सरकारी सोसाइटी में धान बेचना ही बंद कर दिया। किसान आंदोलन पर रहे जबकि सरकार उनका दमन करती रही। कांग्रेस ने किसानों की भावनाओं को भुनाया। और नंबर 5, कांग्रेस जनता की नब्ज पकड़ने में सफल रही। इस बार कांग्रेस ने लोगों से मिलकर उनकी इच्छा पूछी और उनकी जरूरतों के मुताबिक जन घोषणा पत्र तैयार किया। चुनाव में बदलाव का नारा दिया। मतदान के दौरान बदलाव की लहर दिखी। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपना चुनाव प्रचार बीजेपी से बढ़ चढ़ कर किया, जिसका फायदा कांग्रेस को इन तीनों राज्यों में देखने को मिला। आप भी इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।